यार देखो पता है भाग ही खूब बढ़िया रही है लेकिन अपने को फील नहीं हो रहा जस्ट बिकॉज़। हेलो भाई मैं अरुण तोमर आज चलाने वाला हूँ भाई टोयोटा इनोवा आई क्रॉस। अपनी जिंदगी में पहली बार आए कितने दिन हुए भाई इसको, मतलब अभी रिसेंटली तो आई है, लोगों को मिलना ही नहीं स्टार्ट हुई है गाड़ी, मतलब बहुत ज्यादा नई है, टोयोटा में प्रोडक्शन ही नहीं है, डिमांड इतनी ज्यादा आ गई वो कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इसके डिमांड का आने का मैं आपको कई बार रीजन बता चुका हूँ, वो भाई ये जो हाइब्रिड वाला सिस्टम है ना, और देखो भाई एसी का पानी कहाँ से टपकता है इसके अंदर, ये देखो इसकी जो नली है एसी की कहाँ पे दे रखी है, सबका आगे से टपकता है, इसका आगे से भी टपक रहा है, यहाँ से भी टपक रहा है। तो मेन स्वाद भाई हाइब्रिड को चलाने में होता है भाई, ये टेक्नोलॉजी सुनने में अच्छी लगती है कि कभी ईवी चल रहा है कभी इंजन चल रहा है। तो चलो छोड़ो आओ गाड़ी को मेरे हाथ चला के देखते हैं भाई कैसी चलेगी जरा कैसी नहीं चलेगी। तो लाइए भाई इसमें बैठते हैं यहाँ पे, और भाई इसमें अभी ये देखिए ईवी मोड पे है ये गाड़ी, अभी अपनी वो खड़ी हुई है ना आराम से स्टिल खड़ी हुई, तो इसकी पावर की जरूरत है नहीं, इसको पावर की जरूरत नहीं है, तो भाई आराम से बस एसी एसी चलाना है। तो ये देखना ईवी मोड पे, अभी ऐसी गाड़ियों को नॉर्मल जो हाइब्रिड वाले होते हैं ना इनको अगर आपको पेट्रोल पे शिफ्ट करना है तो बस एक चीज कर लीजिए, आप अपने एक्सीलेटर पे पैर रखिए और उसको ऐसे दबा दीजिए, उसको आप जैसे दबाओगे तो आपका इंजन पेट्रोल इंजन ऑन हो जाता है क्योंकि भाई ईवी इतना नहीं झेल पाती है। तो ये आप देखिए फिर से ईवी पे आ गई जैसे ही मैंने एक्सीलेटर पैडल छोड़ा है, अभी आप कंटिन्यूअसली इस गाड़ी को चलाओगे तो जो अपना बैटरी जब इतने चार्ज हो जाती है कि सफिशियंटली इसको चला देती है, तो ये खुद बार बार जबरदस्ती ईवी पे आ जा रही है कि भाई तुम तेल मत फूको, लेकिन हम बार बार एक्सीलेटर पैडल को दबाते हैं तो अपने आप पावर वो स्टार्ट हो जाता है, इंजन वो तुरंत बंद कर देता है। अगर ये चार्ज नहीं रहती और दो तीन दिन घर में खड़ी है ना तो फिर बैटरी वीक हो जाती है, तो फिर वे बार बार ईवी से हट के पेट्रोल पर चली जाती है। खैर ये सब बातें छोड़ते हैं, इसका गियर नो भाई एकदम डिफरेंट इन्होंने एरोप्लेन का सा दिया भाई, यहाँ पे एकदम अलग वो है इसकी प्लेसमेंट, यहाँ पे रिड्स का कि यूवी का पहले आया करता था मंदिर टाइम में, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे दोबारा से नया तरीका सा आने लग गया है इस तरीके का, यहाँ पे आप कर दोगे तो मैनुअल चलने लग जाएगी गाड़ी, यहाँ पे अपना ड्राइव मोड पे चलेगी। वैसे जब हम हाई क्रॉस की बात करेंगे भाई पावर फिगर्स की बात करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे बहुत कम है भाई, आप यहाँ पे देखोगे 183 bhp की पावर है इसके अंदर मात्र, और 188 nm का टॉर्क, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक सब हट जाती है भाई। और इसमें एक और ये डिफरेंट चीज मेरे को पता चली भाई, ये गाड़ी जैसे टू 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 थोड़ा अलग टाइप से करती है जब इसकी सीट बेल्ट नहीं हो, तो जैसे और गाड़ी में क्या होता है कॉन्स्टेंट करती रहती है टू टू टू, लेकिन इसमें जैसे आप नहीं लगाओगे तो आपके साथ ये भी डीट बन जाती है भाई कि एकदम टू 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 तेज करने लग जाती है कि अब तो मैंने तो मेरी डीट कर ही दियो अब तो लगानी पड़ेगी। तो ये मोनोकोक चेसी है भाई, आपकी लेटर ऑन फ्रेम नहीं है जैसे फॉर्च्यूनर इनोवा आया करते थे पहले। अभी इसको चलाओगे तो भाई जैसा कि इतनी ऊंची गाड़ी है ये इतनी बड़ी है, बॉडी रोल तो भाई है, बॉडी रोल तो फील होता है यार, बट इतना भी नहीं कि भाई जितना बड़ा है ये एकदम से, जैसे हमारे साथ सारे भाई बैठे हुए हैं ये बताएंगे कैसा लग रहा है पीछे बैठ के भाइयों को, हिल रहे हैं भाई बहुत भाई बहुत डर लग रहा है कि कोने में से गाड़ी एक साइड भाग रहा है, चिपक गए कोने में एक साइड भाग रहे हैं जैसे साइड हो रही गाड़ी। और भाई हमारे साथ अभी हम गाड़ी के अंदर 6 लोग बैठे हुए हैं, मैं हो गया, ये मनीष भाई हो गए, बाकी सारे सॉरी भाई मैंग भाई हैं, ये अभी इन्हीं की गाड़ी है भाई, ये तो भाई अगर जैसे मैं कुछ बोलता हूँ तो दिल पे मत लेना है ना, रियल है वो है, मतलब आप दोनों भाई तो चलो मुझे पता सब ज्यादा कंफर्टेबल हो, लास्ट के तो जो दो वाले भाई हैं आप क्या कहना चाहोगे कुछ बता, कैमरा ला के देख लो भाई स्पेस इतनी स्पेस किसी और में मिल जाए घना ही है, और आगे वाले भाई भी देख कैसे बैठे पूरे, मतलब ऑनेस्टली आप वो दोनों एकदम कंफर्टेबल भाई, पांच 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 भाई भी आगे भी कर सकते हैं, स्पेस है भाई के सामने। अच्छा आपको ऐसे कंप्लेंट तो नहीं है कभी यार तो घूमने गए आप लोग कि यार तू आगे कर पीछे कर, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी बिल्कुल सही कंफर्टेबल बैठे हैं भाई, आप कोई सी गाड़ी ले आओ इनकी टक्कर की ना थर्ड रो तो सबकी बेकार, हां सब सबसे ही बेकार रहती है। चलो वही फिर दोबारा से यहाँ पे गोल चक्कर पे तो भाई आप लोग भूल जाओगे, इसलिए मैं इसको लेके चलता हूँ, मेनली बात करते हैं इसको चलाने के। अरे भाई तू खिल जाएगी यार सफर वाले, तो भाई अब चलाते हैं इसको जरा खींच के, पावर मोड में लगी हुई है फिलहाल गाड़ी, पहले पावर मोड में ही देख लेते हैं इसकी, अभी हमको तेल की कोई चिंता नहीं है, जैसे मान लो तेल की टंकी फुल है भाई, यार टोयोटा ना डीजल इंजन बना लेता भयंकर, लेकिन वो पेट्रोल इंजन के ना बस की सी बात नहीं लगती यार भाई, इतना शोर मचा रहा है देखो ओ भाई, चीजें सारे हमारे बंद है, पावर मोड से हटाओ भाई चीज को ना, इको पे आ गया, अब देखता हूँ भाई दिखाइयो यार कितनी तेज आवाज कर रहा है भाई, देख रहे हो आप, ये ईवी प्लस हाइब्रिड है ना तो ईवी प्लस पेट्रोल काम करते हैं इसके, और ब्रेक बहुत टाइट है इसकी यार, नई नई कह लो या कुछ भी कह लो उसकी वो है बदौलत, बट भाई ये बहुत ज्यादा आवाज मचाता है, बहुत ज्यादा शोर मचाता है,
और देख रहे हो आवाज अभी 140 चल रही है। पीछे का कैसा वो है भाई? है भाई साउंड तो पीछे ऐसा पता लग रहा है जैसे कि वाइब्रेट हो रही हो गाड़ी सारी, आवाज ऐसी लग रही है। वैसे टेक ऑफ के लिए जो एरोप्लेन टेक करता है स्टार्टिंग में वही वाला फील हो रहा है कि यार बहुत जोर से पड़ रहा है, बहुत जोर से पड़ रहा है। अभी देखो हाई राइडर जो है ना उसमें कुछ फीचर्स बहुत अच्छे आते हैं, जैसे उसमें आपको डिस्प्ले का जो एनिमेशन मिलता है वो बहुत प्यारा मिलता है, उसमें आपको बताता रहता है उसमें जा रही है। लेकिन इसमें वो एनिमेशन यहाँ पे ना होके यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए वो इंजन आप वो एनिमेशन यहाँ पे है। अब देखिए अब मैं जैसे बहुत स्मूथली इसको चला रहा हूँ तो अब जो हमारी बैटरी है उससे जा रही थी पावर, लेकिन अब इंजन अपने को देने लगी क्योंकि मैं एक्सलेट करने लग गया हूँ, तो अब ईवी मोड फिर से एक्टिवेट हो चुका है इको पे। तो अब फिर से मतलब ये बदलता रहता है, इधर उधर होता रहता है, तभी इसकी जो माइलेज है वो अपने को बहुत अच्छी मिल जाती है। अब जैसे मैंने देखो एकदम एक्सलेट कर दिया, अब ये पावर मोड पे अपनी जा चुकी है। तो अब क्या है दोनों चीज पावर लगा रही, देखो दोनों चीज अब अपने को पावर दे रही है। अब बैटरी उल्टी लेने लगी है क्योंकि बैटरी 3 चार्ज्ड है और ये सेल्फ वो है सेल्फ चार्जिंग वाली गाड़ी है, यानी कि इसमें हमको घर भर से कहीं से चार्जिंग करनी नहीं पड़ती है, जो इंजन अपना वही इसको चार्ज करता है चलते चलते। और अपने रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के थ्रू ये भी चार्ज होती रहती है बार 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 बार। अब देखो दोनों लगाने लग गई, अब केवल इंजन लगाने लग गया। जहां तक बैटरी है वो कहती है कि जहां तक मेरे बस के मैं तेरा साथ दे दूंगी, बाकी इंजन तेरे को खुद ही अपना अपना संभालना पड़ेगा, जैसा तेरा सिस्टम है वो वाला हिसाब किताब इसके अंदर अपने को देखने को मिलता है। देखिए यार देखो पता है भाग ही खूब बढ़िया रही है, जैसे जब ये ऑन रहेगा अभी तो अभी अगर मैं इसको मान लो बंद कर दूंगा ना बाहर उतर के आप सुनाने जाऊंगा, पेट्रोल इंजन बंद हो जाए क्योंकि बैटरी में इसके 3 डंडे हैं तो बैटरी इसके एसी को आराम से संभाल लेगी। तो ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे ना इसका बहुत आपकी बचत करवाती है, तभी आप ऐसी हाइब्रिड गाड़ियों की तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं। और अभी चलो मैं एक बार ना ट्राई मारता हूँ जरा एक मिनट जाके बाहर देखने इसका पेट्रोल इंजन अपने आप बंद ना हो जाए, क्योंकि अभी ये ईवी मोड पे हो गया बंद, पेट्रोल एकदम बंद हो गया है। तो बाहर जाके मैं सुना ही नहीं सकता भाई आपको कि इसकी कितनी आवाज है, हालांकि मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। आरपीएम हाई नहीं आ जा रही है, मतलब अगर आप वैसे सोच के देखो इन गाड़ी के साथ रेस तो कर ही नहीं सकते। ये भी है, है ना, रेस तो हो ही नहीं सकती भाई इन गाड़ियों के साथ जैसे बंदे ऐसे। एक चीज देखिए आपने सपोर्ट बयान की और ब्रेकिंग के मामले में इसमें क्या लगा? अरे इसकी बहुत टाइट है, मतलब ब्रेक्स यानी की बहुत अच्छी है भाई, बहुत अच्छी है, कुछ चीजें इसकी अच्छी है जैसे यार आवाज में कौन सी आवाज स्कॉर्पियो की और इसमें, अरे भाई ये डीजल लग रही है कि जैसे मैं डीजल चला रहा हूँ, इतनी तेज पेट्रोल इंजन नॉइज कर रहा है ना इसका। और भाई एक और फीचर बहुत अच्छा दिखाऊं इस गाड़ी के बारे में आपको, यहाँ पे आप जूम करोगे यहाँ पे देखो ये रियर की जो सीट बेल्ट नहीं लगाए रखते ना लोग, उनकी भी बताते हैं कि भाई रियर वालों की नहीं लगी हुई, लेकिन रियर वालों में आवाज नहीं करती ना ये, बस आगे के दो के लिए आवाज करती है ये कि आगे जो बैठे। ये देखो भाई इंस्टॉलेशन प्रॉपर करनी चाहिए थी यार इनको केबिन में, मतलब डीजल इतनी आवाज करे भाई कोई परेशानी नहीं, 1% भी कोई 1% ये नहीं कि यार आवाज कर रही है, बट पेट्रोल आवाज करती है तो थोड़ा सा ऐसा महसूस होता है भाई, पेट्रोल को नहीं करना चाहिए था। अरे ये रियर में कौन बदमाशी कर रहा है, कभी लग रही है कभी डिसेबल हो रही सीट बेल्ट चेक कर रहे हैं भाई, कोई वाली आवाज क्या था भाई, ये कैसी आवाज है सीट बेल्ट की? टू टू टू। तो हम दोनों ने लगा तो रखी है, पीछे वाला हटा रहे हैं ना, लगा के हटा दी ना उन्होंने, थर्ड रो वाला एक्टिवेट होगा वो कुछ। अरे ये भाई देखना अगर इसमें छेड़ देते हैं इसको तो ये गाड़ी बेवकूफ बन जाती है लगी। हाँ देखो ये रियर का, अब भाई देखो उन दो मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि या तो मतलब लगाने से हटा दो कोई दिक्कत है तो लगाओ ही मत, लगा रहे हो तो फिर हटाओ ही मत, हटाओ ही मत भाई, वही वाली बात है वो वाला। अभी फिर तो बैठ टू 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 टू, मान लो इस चीज में आप ऐसे सोच के देखना, मान लो कोई आदमी इसे उतर के चला गया पर वो ये उसके वेट से कर रही है, हाँ वेट से कर रही है ना कि बैठा हुआ है, गाड़ी बंद ही करनी पड़ेगी ये तो। ये टोयोटा के इंजीनियर्स ने कैसे छोड़ दिया ये, जब और भाई एक भाई हमारा नेक है उसने लगा के हटाई तो तू तो करने लगी, तीनों ने लगाई ही नहीं, उनका कुछ कर ही नहीं रही, उनके सर पे ब्लेम आ गया पूरा। ये देखो यहाँ से हमने करी, हाँ अभी ईवी मोड पे चालू हुई है भाई ये, अब अगर हम ड्राइव मोड यहाँ से इसको बदल लें तो ये प्योर ईवी पे आ चुकी है भाई, हट गई ईवी पे। अरे ईवी मोड अनअवेलेबल ही रहता है भाई इसका, ये प्योरली तभी चलेगा जब ईवी जो इसकी बैटरी है वो फुली चार्ज होगी। अब यार फुली चार्ज के लिए तो बहुत दूर चलाना पड़ेगा भाई, कितना चलाना पड़ेगा भाई, चला के पता चलेगा, कम से कम चलानी पड़ेगी भाई,
तब जाके प्रॉपर ईवी मोड पे चल पाएगी। ये देखो, और एक और इनमें थोड़ी सी समस्या ये रहती है यार, इनमें वो जब आरपीएम नहीं रहता 1000 2000 3000 ये मिस नहीं करते चार, ये कुछ भी ऐसे ही वो समझ नहीं आती है, ये पता नहीं क्या चार्ज को पावर ऐसे इतना दिमाग नहीं मारा जाता। वैसे मैं ये मस्त लगता है, मान लो हम जैसे मैंने फुल चढ़ा रखी है तो ये फुल चल रही है, मैंने भी एकदम छोड़ी सुई एकदम गिर गई, एकदम मैं रेस दूंगा एकदम चढ़ गई, ये देखने में बड़ी प्यारी सी लगती है बेचारी। सुई की जो स्पीड है वो एकदम बहुत बढ़िया है। इतना कॉन्फिडेंस नहीं है यार, स्टेयरिंग स्टेयरिंग को देखो ना, पीछे झूलती झूलती है गाड़ी, 100 की स्पीड पे टर्न ले रहे हो या फिर ऐसे कुछ कर रहे हो, साइड टर्न लेते ना, हाँ बंदा दूसरी साइड जाता है। ये उनके लिए आराम से एक बंदा चला नहीं ले रख दो और ऐसे दो जने पीछे बैठे रहो उनके हिसाब से कम वही भाई, जैसे इनोवा में ज्यादातर ड्राइवर ही चलाते हैं ना गाड़ी को, वही वाला हिसाब है भाई इसका बस। हाँ आराम से कोई ड्राइवर रख लो और वो चलाता रहेगा, उनके लिए बेस्ट है भाई ये। इतना ड्राइविंग में खुद इसको चलाओगे ना, उतना मेरे को इतना पसंद नहीं आया भाई, इतना चला के देखना अगर जेन्युइनली आप खरीदना चाहते हो, मेरे को इतनी कुछ खास नहीं लगी। मैं पीछे जा रहा हूँ बैठने के लिए, मैं पीछे बैठ के इंजॉय करूंगा, उनमें से आएगा। वीडियो लगाने का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू सो मच।